हेलो एंड वेलकम टू न्यूज, मैं हूं निमिषा। सो यस्टरडे सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ का जिम्मा अब ले लिया है सीबीआई ने। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये फाइनल डिसीजन दिया है कि अब ये मामला सीबीआई के पास जाएगा और सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी फर्दर। सो मैं आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सीबीआई की ये इंक्वायरी हो पाएगी या नहीं, और क्या है सीबीआई के पुराने ऐसे केसेस जो आज तक सॉल्व हो ही नहीं पाए हैं। मेरे साथ जुड़ रही है गायत्री। Thank you so much for joining in and welcome. Thank you, Nimisha, इस केस की इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन में मुझे जोड़ने के लिए। जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं सुशांत सिंह के यही केस से, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि सीबीआई को ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने को मिलेगा। एंड काफी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे बिकॉज कई सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चले थे कि यू नो वी नीड जस्टिस फॉर सुशांत, वी नीड सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत। एंड कल जब ये फैसला आया काफी लोग खुश हुए, एंड जो बॉलीवुड स्टार्स एक टाइम पे कुछ नहीं बोल रहे थे, कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को लॉर्ड किया। बीट अक्षय कुमार, बीट कंगना रनौत, बीट कृति सैनन जो उनकी कोस्टार है, अनुपम खेर उनके जो कोस्टार थे, तो ये सब सेलिब्रिटीज ने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वेलकम किया एंड सीबीआई इंक्वायरी वेलकम की। तो गायत्री, आपको क्या लगता है ये जो केस है जो इतना ज्यादा उलझा हुआ है एंड काफी नई नई चीजें रोज हमें पता लगती हैं, तो आपको क्या लगता है कि विल सीबीआई बी एबल टू हैंडल दिस एंड वो कैसे इस चीज को लेंगे, क्या कैसे सॉल्व करेंगे? वेल, निमिषा, मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर हम ये देखें कि किस तरह से मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस ने इस केस को हैंडल किया और उसके बाद किस सर्कमस्टांसेस में सीबीआई के पास जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सीबीआई इसको बेटर तरीके से हैंडल करेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस इसको लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा कहा जा सकता है कि क्रिटिसिज्म झेल रही है। लोगों का भरोसा एक तरह से उठ गया है, चैनल्स पे आकर लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि दे डोंट ट्रस्ट मुंबई पुलिस एनीमोर, क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने कुछ ही मिनट्स में, हम ये कहें कुछ ही घंटों में, ये घोषित कर दिया, एक तरह से अनाउंसमेंट कर दिया, उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया कि सुशांत सिंह का ये केस क्लियरली सुसाइड केस है, और उन्होंने ये बात एलिजली नहीं कही, उनका ये कहना नहीं था कि हो सकता है कि ये सुसाइड हो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये सुसाइड केस है। हालांकि खुद सुशांत के जो फ्रेंड्स हैं, अगर हम देखें सिद्धार्थ पठानी जो उनके साथ में रहते थे, तो उन्होंने भी कहा कि उनको नहीं लगता है कि ये सुसाइड केस है। हालांकि शुरुआत में वो भी थोड़ा सा डगमगा रहे थे, अपनी स्टेटमेंट से आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन उनके फैमिली से बात किए बिना, उनकी हाउस हेल्प से, उनके फ्रेंड से बात किए बिना किसी भी तरह से मुंबई पुलिस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस है। और साथ ही साथ वो काफी डिप्रेस्ड थे, इतनी जल्दी किसी भी कह सकते हैं कि जजमेंट पे आ जाना मुंबई पुलिस की तरफ से, ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी इस केस में जो देखी गई, जिसके बाद बिहार में जाकर उनके फादर ने, सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने एफआईआर दर्ज कराई और वहां से बिहार पुलिस ने चार्ज लेना शुरू किया। हालांकि रिया ने उसको लेकर अपनी नाराजगी जताई, उन्होंने कहा जहां का क्राइम है, मुंबई में क्राइम हुआ है, अगर ये आपको लगता है कि सुसाइड केस नहीं है तो ये मुंबई पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में आता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत और उनकी फैमिली बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ये बिल्कुल बिहार पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकती है। हालांकि उसके तुरंत बाद ही हमने देखा कि किस तरह से सीबीआई को ये केस हैंडल कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं मुंबई और बिहार पुलिस के आपस के झगड़े में या आपस में एक दूसरे को गलत प्रूफ करने में या एक दूसरे से बेहतर प्रूफ करने के झगड़े में कहीं ना कहीं जो एक तरह से पब्लिक भी हो गया था, तो ये सीबीआई के पास जाता हुआ केस काफी हद तक सही लगता है। लगता है कि सीबीआई एक अनबायस जांच करेगी जिसके लिए वो जानी जाती है और एटलीस्ट जिसके लिए लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। और ऑब्वियसली बात है निमिषा कि सीबीआई का जो ज्यूरिडिक्शन है उसके अंदर कन्विक्शन रेट है, अगर आप देखें तो वो मुंबई पुलिस या बिहार पुलिस से बहुत ज्यादा है। 2011 का अगर हम देखें कन्विक्शन रेट तो 67% सीबीआई का था। हालांकि सीबीआई बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल केसेस को लेने के बाद हमने देखा है पास्ट में भी कि उसमें वो बहुत अच्छे जजमेंट जो है नहीं दिलवा पाई, और बहुत सारे ऐसे पास्ट के केसेस हम अगर हम देखें तो उसमें वो कहीं ना कहीं फेल रही है। अगर आप देखें निमिषा,
जिया खान का केस था, लास्ट जो केस था जिसने इतना हाइप किया था, उसके बाद प्रत्युषा बैनर्जी का केस था। हालांकि प्रत्युषा बैनर्जी के केस में सिर्फ मांग ही उठती रह गई कि सीबीआई इसको हैंडल करे, लेकिन जिया खान के केस में सीबीआई को एक केस दिया गया था और हम सब जानते हैं कि उस केस का कोई वो केस आज तक अनसॉल्व है, वो बिल्कुल निकला, उसका कोई जजमेंट नहीं आया अब तक हमेशा। जी अगर हम बात करें ट्रस्ट की, मतलब एज इन यू नो सीबीआई पे अभी भी लोग और यू नो कोर्ट जज यू नो रखता है, इतना ज्यादा फेथ रखता है, क्योंकि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की यू नो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी एंड पुलिस ने ये कह दिया था कि यू नो इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड, लेकिन उस टाइम लोगों को तभी यू नो एक ट्रस्ट फैक्टर था कि ये केस सीबीआई को ही जाना चाहिए, जब तक वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगी वो लोग नहीं मानेंगे कि इट वॉज अ सुसाइड। सो अगर हम बात कर रहे थे क्रिटिसिज्म की, जैसे आपने बताया जिया खान के केस में, प्रत्युषा बैनर्जी के केस में, यहाँ पे भी सीबीआई को बहुत ज्यादा यू नो क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। बात करते हैं सबसे पहले जिया खान के केस की, जो कि 2017 में शी लेजिटली कमिटेड सुसाइड एंड साथ में एक सुसाइड नोट भी था जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था उन सूरज पंचोली का नाम, एंड इस चीज को लेकर सीबीआई भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुई, क्रिटिसिज्म उन्होंने उनको संभालना पड़ा। इसके बावजूद भी, इतने बड़े बड़े केसेस के बावजूद भी, आज भी सीबीआई पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था। अगर हम जिया खान की ही बात करें तो आपको क्या लगता है कि हाउ डिड सीबीआई यू नो मैनेज टू क्या बोलते हैं उन्हें, कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं कर पाई, या फिर क्योंकि अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक उनकी मॉम फाइट कर रही है एंड शी स्टिल आस्क्स फॉर जस्टिस, तो आपको क्या लगता है ऐसा कहाँ कमी रह गई सीबीआई की ऐसी इन्वेस्टिगेशन में? हमेशा अगर आप देखें, जिया खान ने सुसाइड कमिट किया था, अगर हम देखें उसने जून 2013 में एलिजिट सुसाइड उन्होंने कमिट किया था। उनकी माँ का कहना था कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, वो काफी खुश थी अपने अपनी अपनी लाइफ से। उनको बड़ी बड़ी मूवीज भी हमने देखा, जिया खान ने अपना डेब्यू किया था मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ, उनपे भी सेम अगर देखा जाए तो बातें थोपी गई थी एक तरह से कि उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था, शी वाज बॉयकॉटेड, काइंड ऑफ बॉयकॉटेड, और कहीं ना कहीं उनको नई मूवीज नहीं मिल रही थी। सिमिलैरिटीज आप देखिए निमिषा दोनों ही केसेस में कितनी ज्यादा हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिया खान भी अपने रूम में हैंगिंग मिली थी, अपने ही रूम के दुपट्टे से वो पंखे से लटकी हुई मिली थी, और सेम यही सुशांत के केस में भी है, वो भी अपने ही बेडरूम में पंखे से लटके हुए मिले। और अगर आप देखें तो दोनों का ही कमरा अंदर से लॉक था, दोनों ने ही कमरे के अंदर से जो है एक तरह से कुंडी लगा रखी थी। दोनों का मेजर बेडरूम, दोनों ने कमिटेड जो सुसाइड है, एलिजिट सुसाइड है, वो मेजर अपने जो बेडरूम है, मास्टर बेडरूम में सुसाइड किया, साथ ही साथ दोनों लटके हुए मिले। फिर उसके बाद दोनों के ही केसेस में बहुत जल्दी जल्दी जो है एक तरह से कह दिया जाएगा कि अपनी तरफ से मुंबई पुलिस ने केस को सॉल्व घोषित कर दिया। सुशांत के केस में मुंबई पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड केस है, जिया खान के केस में मुंबई पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड केस है। वहीं अगर आप देखें जिया खान के केस को, अगर हम याद करें निमिषा, उस टाइम पर आपको याद होगा कि किस तरह से मुंबई पुलिस ने कह दिया था कि जिया खान वर्स डिप्रेस्ड, उनको काम नहीं मिल रहा था, उनका इकोनॉमिक जो कंडीशन था वो बहुत अच्छा नहीं था, फाइनेंशियली वो थोड़ा डिप्रेस थी। सेम यही बातें सुशांत सिंह के केस में कही गई कि उनका वो खुश नहीं थे अपने करियर से, उनको काम नहीं मिल रहा था। हालांकि उनके दोस्त ने सामने आकर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी थे, और हाल ही में उनकी दिल बेचारा मूवी जो है रिलीज हुई है। तो कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। अगर आप देखें तो रिया खान यहाँ पे, माफी चाहूंगी, रिया चक्रवर्ती को यहाँ पर जो है मेजर देखे, अगर हम अक्यूज रखा गया है, प्राइम अक्यूज रखा गया है, वहां पर भी जिया खान के केस में सूरज पंचोली प्राइम अक्यूज थे, दोनों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्राइम अक्यूज है यहाँ पर। वहां तब सूरज पंचोली से पूछताछ करके कुछ समय उनको जेल भेज दिया गया था, हालांकि उसके बाद उनको बेल मिल गई थी और केस पॉज हो गया था। यहाँ पर ये केस, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उसी रास्ते पर ये केस चल रहा है, रिया चक्रवर्ती से बहुत ज्यादा पूछताछ हो रही है। लेकिन अच्छी बात एक तरफ से हम अगर हम देखें
तो यहाँ पर लोगों का जुड़ाव सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिया खान के केस से बहुत ज्यादा है। हालांकि जिया खान के केस में भी बहुत ज्यादा मीडिया का एक तरह से ट्रायल देखने को मिला था, सब लोगों ने सवाल उठाए थे कि किस तरह से जिया खान के गले पर जो मार्क था, जो फ्रिक्शन का मार्क होता है जब आप अपने आप को फांसी लगाते हैं, तो एक्सपर्ट्स ने कहा था कि वो फांसी का मार्क नहीं है, उनका गला खींच कर दबाया गया है। सेम चीजें सेम बातें सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी की जा रही है, लेकिन मेजर बात यहां पर यह है निमिषा कि वो केस भी सीबीआई को सौंपा गया था और वो सॉल्व नहीं कर पाई थी। सिमिलर तरह का केस एक और बार सीबीआई के पास आया है। अब उनके पास मौका है कि वो इसमें अच्छी इन्वेस्टिगेशन करें, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करें और अपने आप को एक बार यहां पर प्रूव करें कि वो जो सीबीआई जिस पर लोग भरोसा करते हैं वो अब भी मौजूद है, वो अनबायस्ड है और वो किसी भी केस को सॉल्व करने में कैपेबल है। जी इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं कि सिमिलैरिटीज बहुत थी, जो जिया खान थी उनकी मॉम ने भी यही चीज कहा, बिल्कुल एग्जैक्टली शी सेड द सेम थिंग कि उनके में सिमिलैरिटीज बहुत हैं एंड शी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा था कि इट वाज अ मर्डर, इट वाज अ प्लान्ड मर्डर जस्ट लाइक माय डॉटर, जो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल काफी सिमिलैरिटीज हैं, यू हैव कम्प्लीटली यू नो बहुत सही बोला आपने इस चीज पे। एंड अगर हम सीबीआई की ही बात कर रहे हैं, सीबीआई ऑल्सो हैज टू प्रूव दैट यू नो पिछले केसेस पे अब पेंडिंग चल ही रहे हैं, लेकिन सुशांत सिंह से लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं एंड काफी ज्यादा ऑनलाइन कैंपेन्स भी चल रहे हैं, काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज भी अब बाहर निकल के आ रहे हैं, बोल रहे हैं यू नो वी नीड जस्टिस फॉर सुशांत एंड वी एक्चुअली वांट टू नो व्हाट हैपेंड विद हिम। अब बात करते हैं एक और हाई प्रोफाइल केस की, जो की थी प्रत्युषा बैनर्जी का, जो की बहुत ही पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस थी, पॉपुलर नेम थी अपने टीवी इंडस्ट्री में, वो भी सडनली शी एलिजिबली कमिटेड सुसाइड। और यह कहा जा रहा था उनका जो बॉयफ्रेंड है राहुल राज, जो मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा, राहुल राज है उनका नाम एंड उन्हीं की वजह से प्रत्युषा बैनर्जी ने सुसाइड की। और उन प्रत्युषा के पेरेंट्स ने भी ये बोला था कि पुलिस ज्यादा अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, वी वॉन्ट अ सीबीआई प्रोब। तो कहीं ना कहीं उनको भी ट्रस्ट था कि हमारी बेटी को जस्टिस सीबीआई ही दिलाएगी। जी अगर आप देखें निमिषा तो प्रत्युषा बैनर्जी केस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है। प्रत्युषा बैनर्जी के केस में भी प्राइम अक्यूज्ड उनके साथ रहने वाले उनके बॉयफ्रेंड ही थे, जिनका नाम आपने लिया राहुल राज। हालांकि राहुल राज अगर सूरज पंचोली और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के कंपैरिजन में देखें तो ही वाज वेरी वोकल और वो मीडिया के सामने आकर कोई भी बात कहने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे। वो सामने आकर लोगों को इंटरव्यू दे रहे थे, बात कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या रिलेशनशिप था उनका प्रत्युषा बैनर्जी के साथ और किस तरह से पुलिस ने उनको इन्वेस्टिगेट किया, क्या कार्रवाई पूरी रही, वो हर बात जो है सामने आकर बता रहे थे। इन दोनों ही केसेस में जिया की और सुशांत की केसेस में देखे तो प्राइम अक्यूज जो कि दोनों के रेस्पेक्टिव पार्टनर्स हैं, वो दोनों ही मीडिया ट्रायल से बहुत ज्यादा हमें बचते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि राहुल राज ने ऐसा नहीं किया। प्रत्युषा बैनर्जी वॉज इन पीक ऑफ हिज करियर, हालांकि ज्यादा उनका शो उस समय पर नहीं चल रहा था, बट वो सावधान इंडिया जैसे शोज में दिखाई देती थी। साथ ही साथ उनको अगर हम देखें तो रियलिटी शोज में भी उनको इनवाइट किया गया था। शी वॉज नॉट एट ऑल फाइनेंशियली डिप्रेस्ड और उनके पास फाइनेंशियल कोई इश्यूज नहीं थे, जैसे कि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के पास नहीं थे। हालांकि इस तरह की खबरें जरूर आई सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट में जो 50 करोड़ रुपए थे उसमें से 49 करोड़ रुपए जो है वो अचानक से, ये कहा जा सकता है कि सडनली उनका बैंक अकाउंट एकदम नील पर आ गया था। मुश्किल से 1 से 1.5 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में बचे थे। हालांकि प्रत्युषा बैनर्जी के केस में भी सेम ही कहा जा रहा था कि राहुल राज जो है प्रत्युषा बैनर्जी के जो पैसे हैं उनका बहुत ज्यादा यूज करते थे, वो उनका फाइनेंस भी संभालते थे और साथ ही साथ ट्रांसफर्स भी करते थे। यहाँ पे भी कुछ सिमिलैरिटी दोनों केसेस में है निमिषा, लेकिन बात वही आ जाती है। हालांकि प्रत्युषा बैनर्जी का केस सीबीआई को नहीं सौंपा गया था और उसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये क्लियरली सुसाइड केस है और प्रत्युषा बैनर्जी ने खुद को फांसी लगाई है, बिकॉज उनके जो
पार्टनर थे राहुल राज, उनका किसी के साथ एलिजिड अफेयर था, इस वजह से प्रत्युषा बैनर्जी परेशान थी। प्रत्युषा बैनर्जी के घर वाले, और अगर हम देखें तो उनके इंडस्ट्री के फ्रेंड इंक्लूडिंग काम्या पंजाबी, करण पटेल एंड उनके बालिका वधु के को स्टार्स भी सामने आए थे। उनका कहना था कि प्रत्युषा बैनर्जी सुसाइड नहीं कर सकती, ही वॉज वेरी, माफी चाहूंगी, शी वॉज वेरी हैप्पी, और वो अपनी वेडिंग का प्लान कर रही थी। हालांकि प्रत्युषा बैनर्जी इन मेनी ओकेजंस, वो हमने देखा था कि किस तरह से वो सिंदूर लगाती हुई दिखी थी, और उनकी जो बर्थडे पार्टी थी उनकी डेथ से पहले, उसमें भी उन्होंने सिंदूर लगाया हुआ था। तो इस केस में भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं लेयर्स थी, और यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी बहुत ज्यादा लेयर्स हैं। ये डिपेंड करता है सीबीआई कितना कितना मिलजुल कर मुंबई पुलिस के साथ काम करती है, बिकॉज अल्टीमेटली मुंबई पुलिस इस केस में वेरी फर्स्ट डे से है निमिषा, और यहाँ पर अपने डिफरेंसेस भुला कर मुंबई पुलिस और सीबीआई को अगर हम देखें तो जिस तरह से बातें हमने देखा कि चल रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट मुंबई पुलिस इज नॉट हैप्पी, इवन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज नॉट वेरी वेलकमिंग कि सीबीआई का प्रोब होगा, सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। उनका ये कहना है कि मुंबई पुलिस इज केपेबल, हालांकि इट्स नॉट द क्वेश्चन कि मुंबई पुलिस कितनी केपेबल है, इट्स द नीड ऑफ द आवर, इट्स द डिमांड। जितना केस डिले होता रहेगा उतने एविडेंसेस अपने आप डिस्ट्रॉय होते रहेंगे निमिषा, एज वी ऑल नो कि जितना टाइम किसी भी केस को सॉल्व करने लग जाता है, हमने हिस्ट्री में भी देखा है, पास्ट में भी देखा है, जितना लेट एक केस को इन्वेस्टिगेशन में लगता है उतना ज्यादा टाइम और उतनी ज्यादा एविडेंसेस धीरे धीरे करके मिटती चली जा रही है। लोगों के दिमाग में जो बातें होती है, जो यादें होती है, वो धीरे धीरे इरेज होती रहती है, और कहीं ना कहीं लोग अपनी बातों को मैनिपुलेट भी करते हुए नजर आते हैं। कि हमने देखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो घर में जो नौकर थे, जो फ्रेंड्स थे, उन सबके भी अभी से ही हम देखने लगे हैं कि उनके स्टेटमेंट थोड़ा थोड़ा माइन्यूट से बदल रहते हैं। हालांकि अगर वो एक बार अपनी रिटर्न स्टेटमेंट पूरे होशो आवास के साथ अगर मुंबई पुलिस को देते हैं तो उसको प्राइम माना जाता है। हालांकि दे टेंड टू चेंज बिकॉज समय के साथ कुछ बातें याद आती हैं, तो यहाँ पर भी कुछ सिमिलैरिटीज दिखती हैं निमिषा। सीबीआई ने इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व रही है, अगर हम देखें शीना बोरा केस में रही है, आरुषि मर्डर केस में रही है, और वहां पे भी कोई अगर हम देखें निमिषा तो कोई जजमेंट नहीं निकला। सीबीआई काइंड ऑफ फेल हो गई प्राइम अक्यूज, या ये कहें कि जो भी उस केस में क्रिमिनल था उनको सजा नहीं हुई, और केस बस खींचता ही चला गया हमेशा की तरह। लेकिन क्योंकि ये बॉलीवुड से रिलेटेड केस है, तो हम यहाँ पर बॉलीवुड से रिलेटेड जो कोई फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड केसेस हैं, जो कि जिया खान और प्रत्युषा बैनर्जी का है। दोनों ही केस में कोई भी किसी को भी सजा नहीं हुई, दोनों ही केसेस में एक तरह से ये क्लीन चिट दे दिया गया कि दोनों ने सुसाइड किया था, और यहाँ पर इसी बात का डर सबको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सुशांत सिंह राजपूत का केस भी सालों साल तक इसी तरह से अटका रहे और सीबीआई किसी भी नतीजे तक ना पहुंचे। जी, जैसे आपने बताया आरुषि मर्डर केस और शीना बोरा मर्डर केस भी बहुत ज्यादा लंबा चला था, एंड इसमें भी सीबीआई को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सहनी पड़ी थी। लेकिन हम बात करेंगे वही बैक टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, जहां जिया खान, प्रत्युषा बैनर्जी एंड सुशांत सिंह राजपूत को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। सुशांत सिंह का वी ऑल्सो डोंट वॉन्ट की काफी लंबा केस खिंच जाए, अनलाइक जिया खान एंड प्रत्युषा बैनर्जी। तो हम यही चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को भी जस्टिस मिले एंड सीबीआई इस बार अनबायस्ड जजमेंट करे, एंड इस टाइम सीबीआई को प्रूफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा साथ दे रही है इस चीज का कि सीबीआई पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रही है कि उनको भी पता लगे आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था, कौन कौन इन्वॉल्व था। अगर सुसाइड था तो वो सुसाइड हम लोग को पब्लिकली प्रूफ मिलने चाहिए। एंड हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा न्यूज टीवी को, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें, एंड बी इट सुशांत सिंह राजपूत केस और एनी अदर जॉनर। तब तक के लिए मैं हूं निमिषा, थैंक यू सो मच गायत्री फॉर ज्वाइनिंग इन।